झारखंड के साहिबगंज जिले में इन दिनों जिला टास्क फोर्स की टीम के द्वारा लगातार अवैध खनन और परिवहन के साथ साथ अवैध क्रशर प्लांटों पर कार्रवाई करते दिख रही है, जिसे लेकर क्षेत्र के पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने मंडरो अंचल के कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध क्रशरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं कई पत्थर खदानों की ड्रोन से मापी भी कराई गई है। टास्क फोर्स की टीम का नेतृत्व सदर एसडीओ राहुल जी आनंद करते दिखे। टीम ने मंडरो अंचल के भवानी मौजा में 4 और देश पोखड़िया मौजा में 4 क्रशर की कागजातों में कमी होने के कारण उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं टीम ने ओम साई और महावीर एंड कॉम सहित एक अन्य कंपनी के माइंस की ड्रोन से मापी भी कराई। मौके पर मौजूद डीएमओ विभूति कुमार ने बताया कि पहले ही बिना कागजात के क्रशर संचालन करने वालों को खुद से क्रशर हटाने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी के बावजूद खुद से क्रशर नहीं हटाने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही क्रशर को बुलडोजर से ध्वस्त भी कराया गया है। मौके पर मंडरो के सीओ नरेश मुंडा सहित क्षेत्र पुलिस बल मौजूद रहे। हम लोग का जिला टास्क फोर्स खनन के द्वारा ये अभियान जारी रखा हुआ है। पूर्व में भी काम 2 दिन से चल रहा था, आज भी हम लोग यहाँ पर चिन्हित किए हुए थे और सभी को पहले से हम लोगों ने अनाउंस करा कर कह दिया हूँ कि कोई जिसकी कोई कागजात नहीं वो अपना हटा ले। जो लोग नहीं हटाए हैं उन सभी के विरुद्ध ध्वस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अवैध खनन और परिवहन को लेकर लगातार ईडी की नज़र साहिबगंज जिले पर टिकी हुई है। लगातार अवैध संचालन के हर पहलू पर जिला खनन विभाग से रिपोर्ट मांगी जा रही है। बीते दिनों भी ईडी की टीम साहिबगंज पहुंची थी, जिसमें जिला खनन विभाग से कई दस्तावेज की मांग की गई। वहीं सूत्रों की माने तो सितंबर माह में अवैध रूप से संचालित कई खदान और क्रशर प्लांटों पर गाज गिरने वाली है, जिसकी तैयारी जिला टास्क फोर्स टीम ने पूरी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मिर्जा चौकी, बरहड़वा, पाकुड़ी, तालझारी, बरहेट, पटना समेत कई क्षेत्रों में संचालित 2 दर्जन के करीब पत्थर खदानों के लीज को रद्द करने की तैयारी बन चुकी है। साथ ही 100 के करीब क्रशर प्लांटों को ध्वस्त करने की कवायद जारी है। इधर हाल के दिनों में जिला खनन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी अखबारों में इश्तिहार के माध्यम से दी है और आए दिन कार्रवाई होती दिख रही है। हम लोग का जिला टास्क फोर्स खनन जो जिले के अंतर्गत है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। एनजीटी के द्वारा भी आदेश पारित किया गया है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कल परसों भी अनुमंडल पदाधिकारी साहेबगंज की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मंडरो के साथ हम लोगों ने मिलकर जो भी क्रेशर्स या खदान जिनका कोई कागजात नहीं है उन सभी को सील करते हुए उन्हें ध्वस्त भी किया गया है, क्योंकि वो बार बार संचालित कर ले रहे थे अवैध रूप से, अतः उन्हें ध्वस्त करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि लगातार जिले में कार्रवाई होने से क्रशर और खदानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मजदूरों का कहना है कि जिले में 4 महीने के अंतराल में करीब 200 से अधिक क्रशर सहित खदानों को बंद किया जा चुका है, जिससे पूरे जिले में रोजाना काम करने वाले मजदूरों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक मजदूर की कमाई से 5 लोगों का भरण पोषण होता है। इस तरह से करीब 10,000 लोगों के सामने खाने के लाले पड़ते दिख रहे हैं। सभी मजदूरों का कहना है कि एक तरफ सारा कार्य ठप पड़ा है, बालू की किल्लत से ना तो निजी और सरकारी आवास का निर्माण किया जा रहा है, दूसरी ओर इस साल खेतों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आखिर क्या करें, यह सवाल जिला प्रशासन से सभी मजदूर पूछ रहे हैं। ये क्या बोलेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा उमेश पासवान नाम है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। कहाँ कमाते हैं? अभी तो हम लोग 2-3 दिन से आ रहे हैं यहाँ कमाने के लिए। सगरे तो क्रेशर उखड़ी है गया, हम लोग क्या कैसे जिए गए, कैसे खाएं। कितना मजदूर काम करते हैं? मजदूरी तो वही 400-500 मिलता है।
काम तो बहुत लेबर काम करता है, ऐसा थोड़ा बात है, बहुत आज लेबर काम कर रहा है।